नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूँ जानकारी देने की, उसके पहले एक जरूरी जानकारी आप सभी को दे दूँ कि मैंने अपना नंबर अपनी वीडियो में, चैनल में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो ऑन स्क्रीन चालू वीडियो में, वीडियो के अंदर ही आ रहा है। आपको सामान्य सी एक माइनर फीस दे करके अपॉइंटमेंट लेना है और सीधे सीधे वीडियो कॉल पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को डायल ना करें, ये तमाम नंबर्स फ्रॉड लोगों के हैं जो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं। दोस्तों, आज है रविवार, शायद आप भी जानते हैं और ना जानते हो तो मैं बता दूं कि घर की नेगेटिव एनर्जी, नजर, हाय, बद्दुआ, भूत प्रेत, शारीरिक बीमारी, तमाम चीजों का उतारा करने के जो बेस्ट डेज हैं वो है मंगलवार, शनिवार, रविवार। बाकी दिनों में भी हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो दिन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इन दिनों में यदि आप उतारे करते हैं तो आपको तुरंत ही रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलता है। और ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये उपाय करने से तमाम प्रकार की आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो तो जाती ही है, साथ में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से दोस्तों कोई भी, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आती है तो हर चीज में बिखर जाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं है जो अपनी अपनी ताकत को लेकर एक तरफ बैठा है, व्यक्ति विशेष भी अपनी ताकत को लेकर एक जगह नहीं बैठा होता है। आप देखो, आपके घर में यदि कोई पॉजिटिव व्यक्ति आएगा तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है, आपको एहसास होने लग जाता है। जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, कोई आज अच्छे साधु संत आपके घर में आएंगे, आप अंदर से अच्छा फील करेंगे। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अंदर ही अंदर आपसे जल रहा है, आपसे कट रहा है, आपको ओवरटेक मारने के बारे में सोच रहा है, तो जब जब वो आपके घर में आएगा या आप उसके सानिध्य में जाएंगे, आपका मन बेचैन होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका मन अंदर से ही उस कंडीशन को, उस व्यक्ति को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी आभा फैल जाती है उस जगह पर जहां वो हाजिर होता है। ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में आएगी तो उसकी आभा हर चीज में फैली होती है, दीवारों पर, जमीन पर, हर चीज पर, व्यक्ति पर तो फैल ही जाती है, व्यक्ति की बॉडी पर, फिर उसके दिमाग पर वो फैल जाती है। रविवार के दिन यदि आप ये काम करते हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है तो भागने की कोशिश करेगी। आपको क्या करना है, रविवार के दिन थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर ले लेना है। पाउडर ना ले पाए तो फिटकरी का टुकड़ा ले लें। घर की तमाम बारी, दरवाजे जहां भी है वहां पर छोटे छोटे से टुकड़े रखें। घर की वो जगह जो ज्यादातर सुनसान रहती है, जहां पर लोगों का, मतलब आपके घर के मेंबर्स का आना जाना कम हो, जहां एकांत ज्यादा रहता हो, उस जगह आप उस फिटकरी को रखें। आज के दिन पोंछे के पानी में आप फिटकरी का टुकड़ा जरूर डालें या फिटकरी का पाउडर डालें, उससे आप पोंछा लगाएं। ये पोंछा दोस्तों तमाम नेगेटिव एनर्जी को आपके घर से दूर भगा देता है। जो फिटकरी के टुकड़े आपने आज फर्स्ट रविवार को, संडे को रखे हैं, दूसरे रविवार को या तीसरे रविवार को आप उन्हें चेंज कर दें। यदि ये क्रिया आपके घर में रेगुलर होती रहेगी तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिकेगी। ये चीज नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि फिटकरी का एक टुकड़ा हमेशा जो आपका मेन हॉल है, जैसे सोफा है या आपने बेड डाल करके रखा है, तो उसके नीचे आप उसको दबा दें, बेड के नीचे या सोफे के नीचे जहां गादी होती है उसमें आप उसको दबा करके रखते हैं। आपका कोई भी विरोधी आपके घर में आएगा तो वो अपना विरोध
व्यक्त नहीं कर पाएगा। आपके आपके कांटेक्ट में आया, मतलब वो आपके सानिध्य में आते के साथ वो आपसे ओवरशेडो हो जाएगा, वो टोटल आपके हाथ में आ जाएगा। उसका दिमाग, उसकी बुद्धि वैसा सोचेगी जैसा आप चाहते हो। और हर रविवार थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा ले और उससे अपने दांतों पर घिसे। ऐसा करने से भी जब आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपका कहना मानने लग जाएगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, आप इस रविवार जरूर करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्णा।